ओ माई गॉड टू, एक ऐसी मूवी जिसको बनाने से ज्यादा उसको सेंसर बोर्ड से पास कराने में ज्यादा मेहनत लगी है। ये मूवी पास हुई भी है तो 27 चेंजेस और एडल्ट रेटिंग के साथ। तो एडल्ट रेटिंग का मतलब आप ये समझ लो कि भाई बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम जाके गदर 2 में सन्नी पाजी को देखो। मूवी के कुछ चेंजेस तो तुम्हें ट्रेलर में ही देखने को मिल जाएंगे। आज इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और जैसे ही ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है उसमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शिव जी और नंदी जी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मतलब मेरे एक मैसेंजर को भेजो, मेरा भक्त भाई प्रॉब्लम में है। तो ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश की है, वो साफ दिख रहा है कि उसको बाद में ही डाला गया क्योंकि पहले अक्षय कुमार को एज शिव जी ही दिखाया जाना था लेकिन अब उनको मैसेंजर ऑफ शिव जी दिखाया जा रहा है कि मतलब भगवान का मैसेंजर है। क्यों? क्योंकि उस करेक्टर को अगर कहीं भी इस तरीके से दर्शाया गया कि मतलब जहाँ पे रिस्पेक्ट बिल्कुल बोलते हैं ना बरकरार नहीं रखी गई तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो अगर मैसेंजर दिखा दिया जाएगा तो थोड़ी चीज़ें संभल सकती हैं लेकिन अगर शिवजी कह के तुम कुछ ऐसा दिखा दो जो लोगों को पसंद ना आए तो भाई थिएटर वालों की खैर है, फिर तो वहाँ पर क्या हो जाए कौन ही जाने। देखो अक्षय कुमार इस मूवी का फेस थे लेकिन ट्रेलर में देख के आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि भाई पंकज त्रिपाठी यामी गौतम के सीन ज़्यादा हैं मूवी में एज़ कम्पेयर टू अक्षय कुमार। देखो ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंट तरीके से इस ट्रेलर को बनाया गया है ताकि लोगों को बिल्कुल भी ये अंदाज़ा ना लग सके कि भाई ये मूवी किस बारे में है या फिर इस मूवी में मतलब अक्षय कुमार का क्या रोल है और सेंसर बोर्ड ने इतने चेंजेस क्यों किए हैं। देखो जो इस मूवी का कहा जा रहा है कि जो स्टोरी है मतलब जो र्यूमर्स चल रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि इस मूवी में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी खुल के बात नहीं की जाती, ऑब्वियसली ना आप अपने घर में कर सकते हैं ना किसी से बाहर कर सकते हैं, उसी को उठाया जा रहा है। शायद जो पंकज त्रिपाठी का बेटा बना है उससे रिलेटेड कुछ इस मूवी में ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा पॉइंट बनाना जिसमें लोगों को ये फील ना हो कि भाई हमारे धर्म में कोई ऐसी चीज़ दिखाई जा रही है जो गलत है या फिर इस टॉपिक को मतलब इसके साथ कोरिलेट करके दिखाना। तो थोड़ा सा मुश्किल तो मेकर्स के लिए बिल्कुल था ही इसको पास कराना। लेकिन अब इसकी ट्रेलर की अगर बात की जाए तो देखो ट्रेलर अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक स्टोरी का कुछ भी नहीं दिखाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जिससे जनता को प्रॉब्लम हो। आपको हिंट भी नहीं दिया गया है उतना ज़्यादा कि आप सोच सको कि नहीं भाई ये होगा इस मूवी में, ये तो जो र्यूमर्स चले हैं उसी से बातें निकल के आ रही हैं। पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम के बीच में आपको कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलेगा। पंकज त्रिपाठी को बिल्कुल नॉर्मल मैन दिखाया गया, एक फैमिली मैन कि भाई जो बेसिक अपने किसी प्रॉब्लम को लेके कोर्ट में आ गया है वो अपने ऊपर ही केस कर रहा है, कुछ ऐसा भी दिखाने की कोशिश की गई है। एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दो सीन्स में नाम लिया गया जिससे आपको समझ में आया कि कोई तो एजुकेशन की बात हो रही है लेकिन कौन से की वो नहीं दिखाया गया है। अरुण गोविल जी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राम जी का रोल निभाया था रामानंद सागर जी के रामायण में, जो आपने सबने लगभग देखी ही होगी, उनको इस मूवी में नेगेटिव रोल में दिखाया जा रहा है ट्रेलर में। तो वो भी देखने का मजा आएगा कि काफी टाइम के बाद उनको ऑन स्क्रीन देखेंगे हम एक मूवी में, मतलब एक ऐसे रोल में जो इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए। इस मूवी को वैसे OTT पे भी रिलीज किया जा सकता था अगर मेकर्स चाहते कि मतलब इस मूवी में जो भी उन्होंने बनाया वो सब कुछ दिखाना चाहते हैं जनता को, लेकिन उन्होंने यही डिसाइड किया कि भाई थिएटर में रिलीज करेंगे और थिएटर में हम चेंजेस थोड़े बहुत कर देंगे लेकिन फिर भी हम इसको थिएटर में ही रिलीज करेंगे। देखो इस मूवी का जो हिट होने के चांसेस है वो हाई थोड़े इसलिए भी है कि हाइप तो बन गई है, लेकिन सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि एक सवाल आता है कि अगर इसकी स्टोरी कॉन्ट्रोवर्शियल लग रही है, अगर उसको मेकर्स बोलते जस्टिफाई नहीं कर पाए हर क्वेश्चन को जो ऑडियंस उठाएगी, तो बहुत मुश्किल होने वाली है इस मूवी के लिए कि अगर ये हिट होती है तो अक्षय कुमार का करियर दोबारा से बोलते हैं ना कि एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगा जहाँ उनको ये नहीं कहा जाएगा भाई उनकी हर मूवी फ्लॉप हो रही है। लेकिन जिस हिसाब की ये मूवी है, जिस हिसाब के इसमें कट लगे हैं, एडल्ट रेटिंग मिली है, तो थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल तो ज़रूर हैं। अब 11 अगस्त को गदर 2 और ओ माई गॉड 2 दोनों रिलीज़ हो रही हैं, आप दोनों में से कौन सी देखना चाहोगे भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी दोनों को देखेंगे, रिव्यू भी करेंगे, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।